हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलन नंबर टू नियरेस्ट हंड्रेड। हमें नियरेस्ट हंड्रेड करना है। जैसे हमारे पास वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड, यहाँ तो थाउजेंड है, 1639, लेकिन हमें नियरेस्ट हंड्रेड करना है 639। अब देखो, जैसे हमारी एक लाइन होती, बाय द वे हम देखें इसको, 639 क्या 600 और 700 के बीच में पड़ेगा। अगर मैं इसका मिड पॉइंट देखूँ इन दोनों के बीच का, तो क्या आएगा 650 आएगा। अगर हमारे पास नंबर 650 तक है, तो अगर इसके जो भी नंबर है वो 700 हो जाएगा राउंड ऑफ। लेकिन अगर हमारा 649 तक कोई नंबर है, तो राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 600। ये आपको ध्यान रखना कि जो नंबर इन दोनों का नियरेस्ट हंड्रेड, इसलिए हमने 100 के बीच लिया। देखो, अगर 600 से लेके 649 तक हो, तो नियरेस्ट क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 750 चला है, मतलब मिड पॉइंट में चला जाएगा, वो आगे चला जाएगा 700 पे। अब यहाँ देखो 1639 है, 39639 इधर कहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा भाई 1000, ये 600 हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा 600। ओके, क्यों कह रहा है नियरेस्ट 100 कह रहा है, 1100। हमें 1000 से कोई मतलब, हमें 700 से कोई मतलब नहीं। अब देखो यहाँ 400 है, 400 और 500 के बीच में अगर देखेंगे तो 450 होता, जबकि ये 482 है, तो ये हो जाएगा 500। ये नियरेस्ट कहाँ जाएगा, 500 पे जाएगा। ओके, ऐसे देखो 453, अब भाई 453 यही आ रहा, 400 और 500 के बीच आ रहा 453। मैंने कहा जैसे 50 पहुँच जाएगी आगे चला जाता, तो यहाँ तो 53 हो रहा, तो क्या हो जाएगा 8500 हो जाएगा, क्योंकि 50 से आगे जा रहा नंबर। ओके, 17819 कितना, देखो 800 और 900 के बीच में मिड देखेंगे तो 850 है, लेकिन ये तो 19 है, क्या समथिंग इधर होगा 18, तो क्या 50 से देखो 849 तक क्या आ जाएगा 800 होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 800 हो जाएगा। ओके, 14719 है भाई, हमने कहा 49 तक अगर होता तो क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। ठीक है, 74529 है, 29 है, 50 भी नहीं क्रॉस हुआ, तो क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। ओके,